गाइस, अभी मैं सुबह उठ गई हूँ। मुझे दीदी ने फोन करके उठा दिया। मैंने सोचा था कम से कम 9:30 तक उठूंगी, पर सबसे पहले मैं रेडी पर लेकिन दीदी ने मुझे 9 बजे ही 8:30 बजे फोन करके उठा दिया। मेरे 1 घंटे की नींद खराब कर दी। समझे, मैंने सोचा था 4 घंटे तो सो जाऊंगी, बट वो भी नहीं हो पाया। और अब ऐसे टाइम पर उठाया कि मैं बस रेडी होने लग गई हूँ। सारे कपड़े निकाल के पैक कर रही हूँ। मुझे राजू बोला था कि अपने कपड़े पैक करके तब सोना, और मैं सुबह उठ के मैंने अपने कपड़े भी पैक कर लिए, सब कुछ कर लिया, A to Z मैं रेडी हूँ। देखो गुड गर्ल, मैं तो नींद में ही हूँ। मैं नहा ली हूँ, इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं सो देखो वीडियो में सो जाऊंगी मैं। ऐसे फिर तो मैं थप्पड़ मार के चलेंगे। वो देखो तुमसे ज्यादा बुरी चुड़ैल बन के पीछे आई है तुम्हारी क्या नींद, हम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई है ना। तुम्हारा समझ में आता ही ये क्यों नहीं। गाइस तो देखो सारी लेडीज रेडी हैं। और पता है क्या कहते हैं, मेरी आज सुबह 8 बजे दीदी ने उठा दिया था। उसके बाद मैं सोई नहीं, फिर शूट का हेडेक, सारी टेंशन, और कोई भी टाइम से नहीं आया। आकाश आ गए 10 बजे भाई, इनको मैंने 9 बजे 8 बजे से फोन करना शुरू कर दिया। ये बंदा टाइम से आ गया, रजनी जी भी टाइम से आ गई। ये हाँ, इसको मैंने कहा था रात को पैकिंग कर लियो, रात को रेडी होके सोइयो, तो ये सच में रात को रेडी होके सोई। और जब मैं सुबह उठी हूँ ना, जब मैं सुबह उठी तो मुझे आज ही रेडी मिली हूँ। मेरी बारी। एक चीज तो नोटिस की, मैंने ब्लैक पहना है, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, तो अभी भी देखो भाई, असगर और AJ दोनों लेट करते हैं इतना ज्यादा। इनको लेकिन टाइम से खाना चाहिए होता, टाइम से इनको हर जगह जाना होता, लेकिन टाइम से काम पर नहीं आना होता। ये क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं, आज रुबी ने गुस्से में कह भी दिया, भाई तुम झूठ में बताना आज। भाई हद होती किसी चीज की, सीरियसली। अगर आपको एक टाइम पंचुअल टाइम मिला, कल आपकी अगर 10 से 6 की ड्यूटी भी रख दी जाए, तो आपके टाइम से आ सकते हो, उसे निभा सकते हो। मैं आ सकता हूँ। हाँ डन, देखो हाँ 10 से 6 कर देती हूँ मैं। देखो एक शेड्यूल होना चाहिए, सुबह जल्दी करो, जल्दी फिर एक मिनट कर रहे हैं, अभी तक 1 मिनट नहीं हुआ। मुझे तो लगा 2 मिनट का तो मेरा। मैंने नई नई रिंग्स भी लाई है, सब बोलते हैं पहने रहते हैं तावा, और देखो ऐसा लग जाती थी मुझे, रखते पता चल गया। इमरजेंसी में काम करो, कैमरा मैन को बिठाओ, इसको लोग निकल गए अपने पीछे। हमने 5 लोग सेट कर लिए, अक्षय भाई को हमने पीछे बैठा लिया। ये देखो और एक के ऊपर एक लदे हुए, क्योंकि देखो हम वेट नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी हमने बहुत लेट कर दिया था और हमारा जाना बहुत याद है। हम लोग साथ में कैसे 11 लोग एक कार में बैठे थे। भगवान कसम सब आते नहीं, मेरे को फोन खटखटाती रहेंगी। सही बात है, झूठ मत बोलो। आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ सबका। यही तो शायद उसकी ये नहीं है, ये नहीं है भाई मेरी। हम लोग दिल्ली हाट आ चुके हैं, ठीक है। सारे लोग नहीं है, हमारी टीम के 2 आलसी बंदे नहीं आए, मतलब इनको कह सकते हो खाने वाले। आज ही थोड़ी देर बाद इनको भूख लग जाएगी, ठीक है। खाना तो करते हैं, टाइम तो काम पर आना नहीं होता। सब लोग आ रहे हैं, चलो सामान वामान लोड करते हैं। हम एक गाड़ी में 10 लोग, कितने लोग आ गए, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हम एक गाड़ी में अपने आ गए, ठीक है। चलो उसके बाद फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। हम लोग जल्दी से आ चुके हैं, रजनी जी अपना ड्रेस चेंज कर रही है, और ये नमूना देखो, इसको 7 बजते भूख लगने लगती है और इसका मुंह ऐसे गुस्से में हो जाता है। हाँ क्या, बिना खाना खाए नहीं चलता, गुजारा नहीं होता। बस खाली 11:30 ही तो हुए, आई रहे हूँ 10 मिनट से, यही सुन रही हूँ। अभी चार चौपाल पे पहुँचा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। 12:45 वो ना नमाज अदा करने जाना है, जाना है भाई, नमाज अदा करने जाना है, 2 बजे वहाँ से आना है। गाइस देख रहे हो, पूरा रेस्टोरेंट अभी मेरा होने वाला है। प्रीति दीदी का 100 बार हो चुका है, ठीक है, आफ्टर मेरा भी हो जाएगा। हाँ एक बार मैं अपना भी कर लूंगी। तो देख रहे हो ये बड़ा सा रेस्टोरेंट, मेरी दीदी यहाँ नंगे पैर बार बार आ जाती है, ठीक है। और भाई उनका खाने का तरीका, मैं उस तरीके से तो नहीं खा सकती, मैं तो सैंडविच भी कोई ऐसे खाना सच में, मतलब देखो यार ये वो मतलब लाइक ऐसी वाली बात है ना, उनके अंदर इतना गट्स है कि वो ऑन पब्लिक की सारी चीजें कर सकते हैं। हां वो तो क्राउड था, ये मैं कह रही हूं, ये मैं अकेले, अभी कोई भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगी अकेले। उस दिन क्राउड भी तो मैं पता नहीं आधी ज्यादा मैं जाती ज्यादा क्या कर सकती हूं। लाइक मैंने सैंडविच लिया, ठीक है, और मुझे पता है उसमें से कैसे करना है, तो छांट छांट के खाऊंगी। हाँ तो लाइक उस पर तुम बेइज्जती कर सकती हो, पर तुझे खाना नहीं आता। सैंडविच ऐसे कौन खाता है, तो बस बेइज्जती करना पॉइंट। हां तो बस ये चीज कर सकते हैं बस, पर मैं चाट के वाला भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है।
गाइस तो हमने एक शूट का सारा कुछ डन कर लिया, थोड़ा बहुत सीन रह गया वो मेरा घर का सीन है तो वो घर पे करेंगे, थोड़ा सा बाहर है इस रेस्टोरेंट के दिल्ली हाट के तो बाहर करेंगे। सब लोग बैठे हुए हैं और अभी मतलब एक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी खाने को नहीं। ठीक है तो अभी क्या कहते हैं इतना करते हैं, अभी मैंने एक प्लेट चाउमीन ऑर्डर करी है और वो चाउमीन मैं खाने वाली हूँ और वो वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ। हाँ ये मुझे बहुत मारेंगे चाउमीन को खाने के लिए क्योंकि मेरा मैं हाथ से खाऊंगी। क्या हाथ से खाना बुरी बात होती है? ऐसा नहीं कर सकते क्या? हाँ सच में, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ओके तो फिर गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। और ये अनमोल की सजा है थोड़ी सी क्योंकि आज वो लेट आया और उसने मेरा फ़ोन पिक नहीं करा। लेट आना तो आना लेकिन फ़ोन ना उठाना ये गलत बात होती है। सामने वाला इंसान फ़ोन कर रहा हो तो आपको उठाना चाहिए। ठीक है उसने भी नहीं उठाया फ़ोन, किसी ने नहीं उठाया। ठीक है ओके फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी सब लोग बाहर गए पानी वानी लेने गए हैं, भैया आकाश और असगर तीन लोग बाहर गए और अक्षय चार लोग बाहर गए। हम दोनों ने अभी ड्रेस चेंज कर ली, कैमरा साफ कर लेती हूँ भाई बहुत गंदा आ रहा है मेरा ही तरीका। ठीक है अब और गंदा हो गया, लाइटिंग लाइटिंग लाइट सन की वजह से आ रहा था नहीं। ठीक है अभी हाँ ठीक है अब हम लोगों ने ड्रेस चेंज है, कितने गंदे लग रहे हैं भाई, इतने गंदे तो हो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं नहीं काली। हाँ अब अच्छी आ रही हूँ। ठीक है गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर ली, अंकिता ने भी कर ली, रजनी मैम ने भी कर ली है, फिर मैं खुद बनूंगी एक वीडियो में। भैया बाहर खाना लेने गए हैं और यहाँ देखो शॉप है, हम यहाँ पे एक वीडियो निकाल रहे हैं। कितनी शांति, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सुकून मिल रहा है हमें। ठीक है यहाँ पे वीडियो निकालते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस देखो हम लोग खाना खा रहे हैं, प्लेट में है पनीर दाल मखनी छोले आलू मटर, भैया दही भी लेकर आए, बाहर से भी अपने लिए कुछ कुछ खा कर आए। रजनी मैम ने कुछ नहीं खाया उनको यहाँ से खिलाऊंगी, असगर भाई ने पहले खा लिया, अनमोल ने भी खा लिया। हम लोग शूट डन कर रहे थे एक और हमने अभी तक तीन शूट डन कर लिए हैं। और मैम की ना तबीयत खराब है इसलिए वो कुछ खा नहीं रही, कह रही लिक्विड चाहिए। हाँ तो इनको मैं अभी कुछ पिला दूंगी तो कुछ पी लेना आप। ठीक है और हम लोग साथ में खाना खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ एक साथ काम कर रहे हैं थके हारे, चलो खाना खा लेते हैं दोबारा शूट करेंगे। ठीक है चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली है गाइस, मेरा पूरा गेटअप देखो, पहले पूरा गेटअप देखो, दूर जाओ मेरा बच्चा। ओ तमीज है मेरा बच्चा हो उसे ढंग से। ये एक गुड्डा मैंने लिया था जब से सबको बच्चा बनाते रहते हैं। और अभी देखो मैं ना फिर से किसी कंपनी की ऑफिसर बन जाऊंगी और इस बेबी को और मैं बहुत परेशान करने वाली हूँ। इतना ही नहीं आज फिर वो जो मुझे पता है मैं करूँगी या नहीं करूँगी, क्या करने वाली हो? अरे यार जी तुम्हारे बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी जिस तरीके से। अच्छा हाँ 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 अभी ये मेरी इंट्रोडक्शन कराएगी, मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जैसी हूँ। लाइक हाँ इतना शो ऑफ इतना हाईलाइट करना है, कितनी रहीस है, इतने भाग्य खुल गए हमारे। देखो मेरा ये बच्चा जो कि अब आज कैसा फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम पांच शूट निकाल दिया वो भी टाइम से 5 बजे फ्री भी हो गए। लेकिन कोई बाद में ये ना बोल दे क्या टट्टी करके आई हो, तुम्हें सुनना ही है कि गंदे करके आई। आकाश भाई रह गए, उनका बैग ऐसे लवारिस की तरह पड़ा हुआ है, कोई उसमें बम तो नहीं हो सकता? ओहो मैनेजर साहब क्या हाल है आपके, ठीक हो? छुट्टी चाहिए 6 बजे छुट्टी चाहिए? आज आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो भाई हो गए हम घर जाना है। हाँ इतनी जल्दी तो दीदी भी फ्री नहीं करती, घर देती हैं। कहाँ तुम 7:30 बजे घर आते हो तो भाई हम लोग गाड़ी में मस्ती करते हैं, सॉन्ग वॉन्ग सुनते हैं। ओहो सॉन्ग सुन कर घर जाने दो आप, वैसे मैं यूट्यूब पर डालूंगी भैया, मैं नहीं सोच रही कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। वो देखो भाई वो अकेला घूम रहा है, इससे अच्छा मैं ही घूम जाती हूँ उसके ऊपर। 400 रुपए हम लोग जा रहे हैं और घर। ठीक है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, नहीं आएगा, गाने चल रहे हैं। हाँ डालना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज फेसबुक पे नहीं डालूंगी, वैसे भी बहुत दिन से फेसबुक पे नहीं डाल रही थी मैं। चलो इतना सारा सामान ऐसा लग रहा है गाँव खाली करके जा रही हूँ भाई, एक एक बैग दिखा देती हूँ सबके पास क्या भर भर के। हमारे सुभाष भैया के पास भी ऐसे ऐसे बैग, पूछो मत मैं तो मार के उड़ाओ। वक्त
रील्स कौन देखता भाई, कुछ और काम कर लिया भाई, इसकी जिंदगी खत्म। भैया गाड़ी खोल दो, नाते रील्स देखते तू? हां ओ खुल गई कैसे ना। आप वो नहीं हो जो कि शौकीन हो रील के, आप अपने दिमाग का इलाज करो। पता है लाइव आ रही हो तो 10 बार तो मैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, सुबह से हमने 5 वीडियोस निकाल ली है, वैसे मैं 4:30 बजे तक फ्री हो गए थे। अभी एक वीडियो का एक टेक और रहता है, भैया का अश्विनी मैम का घर का सीन रहता, वो हम घर पे करेंगे। रूबी तुम सुबह कितनी हाइपर थी, 11 बजे की शूट नहीं निकल पाएगा, वीडियोस नहीं हो पाएंगी है भाई, लेकिन हो गया, चलो अच्छा हुआ। और ठीक है आप चलो गाने चलाते हैं, मस्ती से घर जाएंगे, अब व्लॉग मैं घर पे स्टार्ट करूंगी, लास्ट में गाने सुनेंगे। बाय बाय। मैं घर तो 6 बजे आ गई थी, पर आपको पता है मैं 1 घंटे से ना मतलब बैठी थी, और खाना थोड़ा सा मैंने खाया, क्योंकि बाहर इतना वो जंक फूड था, ज़्यादा नहीं खाया था, पेट भर के कम खाया था मैंने। क्या गिर अकेले खाना खाया जा रहा गाइस, देख लो अकेले के लिए। आपको भी खाना, दाल चावल दूं, दाल चावल दूं खाना है? वो दवाई फिर अच्छा खिलाओ, कुछ अच्छा। तो फिर सब लोग नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, सबने चाय पी है यहाँ पे। इतना प्यारा कवर आईफोन का, कौन सा आईफोन का है? मेरे को क्या मिला, तुम भी देखो। हाँ तुम वो देखो, उसमें लाइट है क्या? नहीं है, इसीलिए मैंने आज खोला है पूरा, सब निकाल लिया। गोलू ये लगाइयो लाइट। तो गाइस अब एक सीन ना, सबसे पहली वीडियो जो होती है उसका एक सीन रहता है, ठीक है, तो वो टेक अब लूंगी मैं लास्ट में। पहली बार शुभारंभ हो गया, कट गया।